वही सुबह नूडल्स ब्रेकफास्ट में भी चालू नहीं। हेलो फ्रेंड्स, सो बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अपना डेली रूटीन दिखाओ, और मैं बोल रही थी उनको तो बहुत मुश्किल है ऐसे शूट करना, क्योंकि एक वीडियो जो हम बनाते हैं हमें 2 घंटे लगते हैं, लेकिन वो रेसिपी बनाने में वैसे 10 मिनट लगते हैं, और सुबह सुबह ऑफिस की जल्दी में मुश्किल होता है। लेकिन वो लोग इतने सपोर्टिव थे जिन्होंने भी कमेंट्स किया कि नहीं नहीं प्लीज़ करके दिखाओ, वी आर इंटरेस्टेड। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेट उठी हूँ, हालांकि मैंने फिर से अलार्म लगाया, मेरे हस्बैंड ने अलार्म स्विच ऑफ कर दिया था, पता नहीं 5:30 का लगाया, आराम से सोती नींद से उठती रहनी होती है पता नहीं। और रात को भी कल मैं लेट सोई थी, नहीं तो यूजली मैं जल्दी सो जाती हूँ, कई बार 9 बजे सो जाती हूँ, लेकिन 10 बजे तक मैं नींद में रहती हूँ, तो टाइम से उठा भी जाता है। और अभी मेरे से सोई मैं 11 बजे के बाद हूँ, तो लेट हो रही थी माउंट का, और साथ साथ काम करना है, बोलना भी है। सो क्योंकि ये टिफिन सीरीज थी, हमेशा से मैं अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स डालती आई हूँ, लेकिन मैंने रेयरली कभी चावल या छोले या राजमा डाले, ज़्यादातर रोटी सब्जी दही मिठाई जूस यही जाता था फ्रूट मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन टिफिन सीरीज से ये एक चेंज आया कि मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई राइस, और मेरे हस्बैंड भी ओके थे, यूजली वो राइस खाना नहीं चाहते, लेकिन ओके थे क्योंकि वीडियोस बन रहे हैं, तो चले हाँ हाँ ठीक है खिला दे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमारी लंच बॉक्स सीरीज को, कि मैं भी बहुत कुछ ट्राई करने लगी हूँ। सो मार्च 21 को सबसे पहले मैंने बनाई थी मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन लंच बॉक्स सीरीज, तब से लेके आज तक हमने इतनी रील्स बनाई है, कम से कम 60 से ऊपर, और किसी में भी रिपीट एक भी सब्जी नहीं कुछ नहीं। सो आज मैंने काफ़ी दिन से प्लान कर रही हूँ नूडल्स बनाने का, पर कल भी मैं लेट उठी, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही, थकान हो रही है, तो यार ये देखो नूडल्स उबल रहे हैं, बन क्या रहे तो बता दो या बाद में बताओगे? नहीं मैं तो चाउमीन बना रही हूँ ना, बस मुझे लगा आपने बोल दिया यही खाऊंगा सिर्फ। नहीं अब मैं ना कंफ्यूज हो, ये क्या है? ये मैंने गाजर बीन्स काट के फटाफट उबाल के रखी क्योंकि ये चाउमीन के लिए चाहिए, शिमला मिर्च प्याज अदरक सब काटूंगे, और यू लाइक हक्का नूडल्स और चाउमीन? ऑल नूडल्स, डू यू नो द डिफरेंस? या हक्का नूडल्स ऑल कम फ्रॉम चाइना? नहीं ओरिजिनल चाइनीज हमारा खाना देख लेंगे, चाइना वाला खा रोड पड़ेंगे। सो हक्का नूडल्स जो है वाइट होते हैं, प्लेन होते हैं, बिना मिर्च के होते हैं, और चाउमीन जो है सॉसेस से भरे होते हैं, एकदम ब्लैक रंग के, वो दोनों अच्छे लगते हैं एक टाइम पे। तो हमें लग समझ नहीं आ रहा नूडल ज़्यादा है कम है, क्योंकि नूडल्स हम लोग बहुत कम खाते हैं। आई थिंक ये उबल गए हैं, मैं गैस बंद कर, नाश्ता भी है? नहीं हम लोग का नाश्ता ये नहीं होगा, एवोकाडो रखे हैं वो टोस्ट खा लेंगे हम लोग तो बना के। मैं अब समझ नहीं आ रहा नूडल्स के साथ चिल्ली पनीर बनाऊँ, हॉट एंड सार वेजिटेबल्स बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैं, अब बताओ तो पता चले। एनीवेज मैं पहले नूडल्स की तैयारी करूँगी, तो अभी मुझे आप लोग 5 मिनट दीजिए, मैं फटाफट सब्जियां पहले चॉप करूँ, क्योंकि अगर बात करती गई ना टाइम निकल जाएगा। ठीक है सब्जियां चॉप करने दीजिए। अब क्या हो रहा है? सब्जियां काट रहे हैं, अब ना लोग ये बोलेंगे कि प्लास्टिक मत यूज करो, पर ये आज से करीब 8-9 साल पहले मैंने खरीदे थे कुछ बाउल्स इन्हीं पर्पज़ के लिए, कि मैं ना ऐसे कूड़ा डाल सकूं और पानी में सब्जियां धो लूँ जो भी है। तो अब अगर मैं इनको फेंक देती हूँ तो हम कितना वेस्टेज क्रिएट करेंगे, है ना? तो इससे अच्छा है कि जब तक यूज़ कर सकते हैं करो, लेट्स नॉट वेस्ट व्हाट वी हैव एंड क्रिएट मोर वेस्टेज। क्या नूडल्स है बाबा, गाजर बीन्स होगी, अदरक गार्लिक मैं नहीं डालना चाह रहे क्योंकि ऑफिस में खाओगे, आई डोंट वांट टू योर माउथ टू स्टिंक, इतने लोगों से मिलोगे। तो अदरक काटूंगी, प्याज कट किया, कैप्सिकम, पत्ता गोभी,
आज पत्ता गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ढीली ढीली सी है, मज़ा ही नहीं आ रहा कट करने में से। पत्ता गोभी हमेशा जब लेना तो एकदम हैवी हैवी होनी चाहिए, टाइट टाइट है। हाँ, जितनी हैवी होगी ना उतनी अच्छी निकलेगी। चाइनीज का ये प्रॉब्लम है, जैसे बहुत कुछ काटना है, गुड ऑफ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन कटिंग टाइम लगता है। नहीं, क्योंकि ये हाथ में टिक नहीं रही ना, इसलिए वजन नहीं है, बहुत हल्की है। प्लेट तो आपका खाना तो आपको टाइम पर मिल जाएगा, आपको क्या चीज़ की लेट हो रही है। अब जाओ नहा दो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक वॉक, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, और मैं डाल रही हूँ तिल का तेल या सेसमी ऑयल। तिल का तेल वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, और चाइनीज़ खाना जब आप इसमें बनाते हो ना तो बेहद यमी बनता है। तो सबसे हम पहले मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक, अगर आप गार्लिक डाल रहे हैं तो वो भी डाल दीजिए इस टाइम। और फिर मैंने डाल दी है प्याज, इनको हल्के हाथ से भूनना है, बहुत ओवर कुकिंग नहीं है, बस हल्का सा कि इनका थोड़ा कच्चापन जो है चला जाए। फिर मैंने डाला है कैप्सिकम, याद रहे बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है चाइनीज़ में, इतना भूनना नहीं है, क्रिस्पीनेस हमेशा मेंटेन रखनी है सब्जियों में, तभी मज़ा आता है चाइनीज़ खा के। सो ये बढ़िया से मैंने इसको भी भून लेंगे फ्राई कर लेंगे या स्टर फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं डालूँगी इसमें खूब सारी पत्ता गोभी, और इसे भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे, जब तक इसका भी कच्चापन नहीं जला जाए। बहुत यमी लगते हैं मुझे स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। आप वरना हक्का नूडल्स बनाएं तो उसमें सॉसेस नहीं डलती हैं, पर उसमें मैं डालती हूँ सेलेरी, जिससे बहुत ही मस्त उमामी फ्लेवर आता है। सो यहाँ पे मेरी पत्ता गोभी के होते ये मैं ब्लांच किए हुए गाजर बीन्स डाल रही हूँ, कच्चे नहीं डाल रही हूँ, स्टीम किए हुए हैं, और इन्हें भी बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। और अब टाइम आया है देखिए अच्छे से मिक्स करने का, इसे अलग ही मज़ा आता है वॉक में बनाने का, ऐसे उठा उठा के उछाल के चम्मच से टंग 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 कभी आवाज़ करके भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से डालिए, पर स्ट्रीट स्टाइल जो होते हैं ना बिल्कुल काले होते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से इसे मिक्स कर रही हूँ, और फिर दोबारा से मैं थोड़ी सी और डालूँगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर तो आएगा ही सोया सॉस से, पर रंग भी बहुत अच्छा आएगा ब्लैक कलर वाला। सो ध्यान रहे सोया सॉस हमेशा बहुत अच्छे ब्रांड की यूज़ करें। इस टाइम पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चिली सॉस। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट ग्रीन चिली सॉस, पाउचोंग ब्रांड की, ये कैलकटा बेस्ड ब्रांड है, बहुत ही यमी है इनकी चिली सॉस। और मैं डाल रही हूँ इसमें केचप, नॉर्मली हक्का नूडल्स जब बनते हैं तो ये सब कुछ नहीं डालता है, वो भी बहुत यमी होते हैं। हक्का नूडल्स में खूब सब्जियां भर भर के होती है, और जब हम घर पे बना रहे तो हम खूब सारी सब्जियां डाल ही सकते हैं। इसमें एक वेरिएशन और है कि आप सोया नगेट्स भी बॉयल करके डाल सकते हैं सब्जियों के साथ, फ्लेवर का फ्लेवर और हेल्थ का हेल्थ। अब मैंने उबले हुए नूडल्स डाल दिए हैं, और इन्हें भी अब हम कर लेंगे बेहद बढ़िया से मिक्स। बहुत तेज़ी से नहीं करें, हल्के हाथ से करें, ताकि नूडल्स जो है ना वो टूटे नहीं। तो नूडल मार्केट में बहुत तरह तरह के ब्रांड के मिलते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो ले लीजिए। और तैयार है मेरे नूडल्स।